उत्तराखंड में सड़क हादसों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन सड़क हादसों की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। ऐसी ही एक खबर आज उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले से सामने आ रही है, जहां यात्रियों से भरी जेएमयू बस सड़क से दूसरी ओर पलट गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी के साथ ही चीख पुकार मच गई। बता दें कि सड़क हादसे की खबर के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल यात्रियों को एम्बुलेंस की मदद से एम्स ऋषिकेश तथा नरेंद्र नगर भेजा गया। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार जेएमयू की बस ऋषिकेश से टिहरी के चंबा स्थित लमगांव जा रही थी। जैसे ही बस भद्रकाली मंदिर के समीप पहुंची, तो एकाएक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। बताते चलें कि भद्रकाली ऋषिकेश टिहरी रोड पर नरेंद्र नगर की ओर 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बता दें कि इस बस में लगभग 35 से 40 यात्री सवार थे। सड़क दुर्घटना की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंच गई और घायलों का रेस्क्यू कर एम्बुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल भेजा गया। बस में फंसे लोगों को तुरंत बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। अगर इस बीच बस पलटने के बाद खाई की ओर लुढ़कती तो कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है। चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में परिवहन निगम और पुलिस को दुर्घटनाग्रस्त बाहुल्य स्थानों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही सबसे खास बात यह है कि मैदानी इलाकों के वाहन चालकों को पहाड़ पर गाड़ी चलाने के उनके अनुभव के आधार पर ही परमिशन देनी होगी। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।